कंवर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अपना अभिभाषण दिया, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी एवं सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अभय मिश्रा ने अपना पक्ष रखा, जिसमें वह विधानसभा में भाजपा सरकार की नीतियों व कार्यों में भेदभाव व अनियमितता को लेकर जमकर कोसा। आइए आपको सुनाते हैं विधानसभा में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा का भाषण। माननीय सभापति महोदय जी, आवाज हम भी देखते हैं कि हम कितना बोल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को रियाज करने का थोड़ा सा अवसर मिलेगा। हमें लगता है कि हम विधानसभा में थिएटर शो तो नहीं करते, कि मतलब जैसे एक रटा रटा है वही मालूम फिक्स की यही बात आएगी, इधर से यही बात जाएगी, ये जीभ की जलेबी, और ये समय के साथ पिछले का नाम लेंगे, उसका समय बीत गया तो उसका नाम ही न लेंगे, नया लेंगे, पूरा का पूरा थिएटर शो है। अभी हमें माननीय राज्यपाल जी के भाषण के उसमें बोल रहे हैं, मैं न उनका विरोध करता हूँ न समर्थन करता हूँ, जो बातें मुझे उचित लगेंगी मैं वही कहूंगा। माननीय राज्यपाल जी सयाने आदमी, इतने बुजुर्ग वरिष्ठ भले आदमी, उनको लाकर कुछ भी पढ़वा देते हैं, फिर हम लोग उन्हीं का नाम ले लेके कोसते रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ कम से कम 10 चीजें हैं जो पिछले वाले में 21/12/2023 में बोला गया, सीएम राय, लक्ष्मी लाडली, लाउड स्पीकर, मांस मछली, संबल योजना, लोक सेवा गारंटी, डबल इंजन, रामपथ गवान, तेलुगु पत्ता, ये सब 12-15 चीजें वही हुई दोहरा दी। हाँ, बिंदु 35 में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये गांधी का देश है और यहाँ के लोगों की आत्मा, यहाँ के लोगों की 75-80% आबादी गांवों में रहती है, बस सही है। अगर हमें इतनी समय स्वतंत्र हुए भारत देश को लेकर अभी तक के कालखंड में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, और मुख्य रूप से 20 वर्ष से लगातार जो मौका एक ही पार्टी को मिला और हमारे एक ही मुख्यमंत्री 18 वर्ष तक रहे, और एक लक्ष्मी लाडली हुई और उसकी जो बच्ची हुई वो भी अब शादीशुदा हो गई, उसकी बच्ची हो गई लक्ष्मी लाडली हो गई, दुर्भाग्य है वो भी मजदूरी कर रही थी, उसकी बच्ची भी मजदूरी कर रही। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को हम नहीं खड़ी कर पाए, हमने तुष्टीकरण की राजनीति तो की, हमने लोगों को छोटे छोटे पॉकेट्स दिए, छोटी छोटी योजनाएं बनाई, उनकी गरीबी अशिक्षा का कहिए दुरुपयोग किया, लाभ उठाया कहिए मदद किया, और उनके वो कमजोरी के चलते और देश यहां तक चलाया। लेकिन जो मूल चीज थी, जैसे गाँव में नया चार होता, नवाचार होता, कहीं हल्दी की खेती होती, कहीं गुड़ बनता, कहीं मक्का बनता, कहीं छोटी छोटी चीजें, कहीं आलू, उससे संबंधित छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें सब्सिडी, उसमें बिजली में कुछ सब्सिडी, कुछ मंडी टैक्स में, इस तरह से करके अगर हम इन चीजों को बढ़ाए होते तो निश्चित रूप से हमारी चीजें बदल जाती। हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे गुहिया गाँव में प्रदीप कुमार मिश्रा है, सरकारी बैंक से लोन लिए 1,00,000, ये पटल में रख रहा हूँ, 1,25,000 रुपया, अब 1999 में इन्होंने 55,000 रुपए तक जमा भी कर दिए 25 में, अभी इनके ऊपर जो उधारी है वो 31,90,690 रुपया ब्याज जोड़कर, इसमें इनको छूट देने के बाद 18,66,469 रुपए जमा करना है, और ये व्यक्ति तड़प रहा है कि बैंक वालों ने ये कर दिया। ये बताइए हमारी ये स्थिति, हमारे यहां पिछले 3 वर्ष पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र में पटना निवासी 4 वर्ष पहले बृहस्पति साहू आत्महत्या कर लिए थे, जब 12 महीने की कांग्रेस की नई नई सरकार बनी थी, 15 दिन हुए थे तो हत्या कर लिए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी वहां गए थे और खुद फपक के रो पड़े थे, और जो वो फपक के रो के आए हैं वो परिवार आज भी फपक रहा है। हमारे अंबा के निवासी विश्वकर्मा परिवार जो यहाँ पर भोपाल में 3 लोगों ने आपने देखा होगा, सूदखोरों को उसमें मर गया था, सूदखोरों के उसमें मर गया था हमारे अंबा के, उनपे कुछ भी नहीं हुआ। हम एक चीज में आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, कुछ मोटी मोटी बातें, जल मिशन योजना हमारे यहाँ चल रही है, सबके यहाँ प्रॉब्लम होगी, आप लोग बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं रहे, ध्यान नहीं आ रहा, जल मिशन योजना में जो पाइप की खुदाई हो रही है तो हमारे रोडों का जो शोल्डर
और शोल्डर में वो खोदे दे रहे हैं। हमारे रोडों की मजबूती तब रहती है जब शोल्डर से उसको सपोर्ट रहता है। अगर शोल्डर कमजोर हो जाए तो रोड पड़ेगा तो रोड बाहर हो जाए। पानी आएगा नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है कब आएगा, लेकिन पूरी अंतिम किनारे से परमिशन होती है। एक तो परमिशन नहीं ली है अभी, और अगर ली भी होगी तो अंतिम किनारे से उसको खोदे जाने का नियम है जो बीच से हो रही। अगर यहाँ विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से ये चीजें हो जाती तो हमारा थोड़ा सा वो हो जाता, मैंने एक चीज बच जाती, हमारा आर्थिक नुकसान नहीं होता राज्य सरकार का। आवारा पशु और गौ माता की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, तमाम उतने गौशाला नहीं है, कहां पर भेजें। पूरा किसान सुबह से एक ही चीज करता है और एक्सीडेंट में मारे जाए। एक और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कोटा में हर वर्ष हर माह खाद्य का आवंटन बदल जाता है। जो खाद्य का आवंटन क्यों बदलता है, गरीबी रेखा के नाम पर की गरीबी रेखा में अगर बदलाव होगा तो हम आवंटन बदल दें। वो आवंटन आता है विपरीत दिनांक के दो महीना बाद। गांव के किसान को मालूम ही नहीं गांव के निवासी को किस महीना कितना आवंटन आना है, और पता लगा कि कल आ रहा परसों आ रहा, दो महीना खाद्यान नहीं पड़ रहा। तीसरे महीना जब आवंटन आया तो जो मनमर्जी हुआ दे दिया, बीज का एक दो किलो एक दो महीने का वो हो गया। अगर अगर ये वाला खेल ना होना तो आटाओं की मिल नहीं चल सकती, उनकी वायबिलिटी ही नहीं बनेगी। इसी तरह धान जो हमारे यहाँ सड़ा दिए जाते हैं जानबूझकर उपार्जन केंद्रों में, और वो शराब के माने फैक्ट्रियों को बहुत सस्ते दाम पर ऐसे दे दिया जाता है, तो उसकी भी हम बचत कर सकते हैं। हमारा आज भी हमारे इसमें जो कल आपने ये राज्य खाद्य आयोग की रिपोर्ट दी है उसमें बहुत सारे आंगनबाड़ी भवन पंचायत भवन नहीं बने हैं, इसके लिए एक बात है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपका ध्यान रेस हैंड के उत्खनन पे है लेकिन पत्थर पे नहीं। हमारे लाइमस्टोन का बहुत अवैध उत्खनन, वो महंगा लाइमस्टोन है जिसका उपयोग सीमेंट के लिए किया जाता है, जिसकी रॉयल्टी भी ज्यादा है, लेकिन उससे गिट्टी बन रही है, दो तीन ही माइन सुपीत है, बाकी सब अवैध चल रहा है। तो एक तो रॉयल्टी का नुकसान, दूसरा उसके लिए डिटोनेटर आ कहां से रहा। जो लाइसेंस होल्डर है वो दाएं बाएं से उन्होंने अपना ही डिटोनेटर दे देते हैं, आगे चल के हरदा जैसे कार्ड की पुनरावृत्ति हो जाए। एक और बात बता रहा हूं, जैसे जो भर्ती होती है के जो गार्ड है सुरक्षा कर्मी गार्ड है, हमारे अधिकारी कहना नहीं चाहिए पर जो हमारे नए नए अधिकारी आते हैं, छोटे अधिकारी आते हैं, वो अपने डेकोरम के लिए बगलों में सजाए उनके सुरक्षा गार्ड उनको दिया जा रहा है, और विधायक यहाँ पोच पोच हमारा घूम रहा है कि सुरक्षा कार्ड मिल जाए, जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ पुनर्खनत्तीकरण में जमीनों की जो अल्टा पलटी का खेल है, तो यहाँ की लोग इसमें राज्यपाल जी के अभिभाषण में लोक संपत्ति विभाग का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि इसमें हमें काफी लाभ हुआ, उनके अभिभाषण में ये बात बिल्कुल सत्य लिखी, और ये लाभ हुआ है। जब हम देख रहे हैं कि उसमें लाभ हो रहा है तो बराबर में हम लोक संपत्ति विभाग को हम क्यों चला रहे हैं जिसमें की बहुत कम दर आ रही है, और हम जमीन कौड़ियों के फल उठा रहे हैं। हमारे रीवा सिंगरौली शहडोल में बहुत बड़ा एक शराब घोटाला हुआ, तीन महीने तक फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर उठा लेते रहे, वो मामला दबा हुआ है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर तीन महीने तक जब फर्जी बैंक गारंटी को मान लिया गया और बाद में चुपचाप उसको बदलवा भी लिया गया, तो उसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमारे समैया नगर पंचायत में दूध बेचने वाले यादव, सब्जी बेचने वाला कुशवाहा, ट्रक चलाने वाले चालकों से बाजार बैठी के नाम पे आप इतनी मारपीट होती है, मैं अगर जीता हूं तो सिर्फ इसी कारण से। हम नगर पंचायत से 2900 वोट लेकर जो लीड लेकर निकले और उसी से हम 730 वोट से जीत गए, तो मात्र यही कारण था कि पूरे नगर पंचायत के लोग जो त्रस्त थे उन्होंने हमें तरफा वोट किया, और इस उम्मीद के साथ ये लूट मारपीट बंद होगी। हो क्या रहा साहब वहां कि वहां विभागीय बैठकी हो रही, शासन के नियम आए जी, आपका संकल्प भी आने वाला है, एक तिमाही तिमाही या छमाही वसूली होनी है, तो वहां प्राइवेट गुंडों के माध्यम से कर्मचारी हैं उनसे इतनी ज्यादा मारपीट करके वसूली की जा रही है, और प्रभारी सीएमओ को उसमें हम प्रश्न भी लगा रहे हैं, चिल्ला भी रहे, तमाम अर्जी भी दे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। कम से कम हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब हैं तो अब दूध वाले यादव तो न मारे जाए, उनकी तो रक्षा हो जाए, सब्जी वाले कुशवाहा तो न मारे जाए। इतना आपसे निवेदन है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपने मैं समझ लिया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्री सिद्धार्थ तिवारी, CCTV surveillance in all classes. Nari.
classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590-990-731-7817, or you can visit us on the address Mount Hera Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.